हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, हैप्पी इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज शाम क्या है, क्या है उनका इवनिंग थॉट्स फीलिंग्स आपके लिए, तो चलिए उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें आप। साथ में यूनिवर्स से प्रेयर जरूर कर लीजिएगा कि वो आपको रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। टाइम लेश कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं जब भी आपके सामने शो होती है, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें आप। साथ में यूनिवर्स से प्रेयर जरूर कर लीजिएगा। तो क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज इवनिंग में, उनकी रियल ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरिस लियो सेजिटेरियस इनका या आपका शाइन हो सकता है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यहाँ पर एरिस लियो सेजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा है। जजमेंट, ओके, आपके पार्टनर आज शाम आई थिंक इन्होंने अपना फैसला सुना दिया है, कुछ डिसीजन इनको लेना था जो कि सुना दिया है या तो सुनाने वाले हैं आज रात तक, कुछ 11-12 बजे करीब ये पर्सन से किसी तरह का बातचीत होगी। आप दोनों के बीच कुछ मेजर इशू हो रहा है, कुछ मेजर मोमेंट हो रहा है, ऐसा हो सकता है कुछ मेजर चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आप दोनों के बीच ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनर को फैसला लेना था तो आज के दिन उनका क्या फैसला है आपके रिश्ते को लेकर वो आपको सुना देंगे, ठीक है। आपके पर्सन मुझे आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दिए हैं, आपके पर्सन और आपके बीच मुझे किसी तरह का जश्न दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। साथ में आने का, लंबे इंतज़ार के बाद वापस से कॉन्टैक्ट में आने का, टच में आने का, फ्रेंडशिप होने का, रिकनसाइल करने का, मुझे तो आप दोनों के बीच मुझे बातचीत होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पर्सन मुझे एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक आपको आज शाम को इनके बारे में, इनसे रिलेटेड किसी तरह का न्यूज़ सुनने को मिला था। आप मुझे स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हो, या आपके पार्टनर के बारे में किसी तरह से, या आपके पार्टनर के बारे में किसी से इन्फॉर्मेशन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पर्सन मुझे जेलस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। आप सक्सेसफुल हो सकते हो या आपने अपना मुंह मोड़ लिया है इस पर्सन से, आपने मूव ऑन कर लिया है, आपने फर्ज करना छोड़ दिया है आपके रिश्ते में। आपके लाइफ में किसी तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इन्जॉयमेंट हो रही है। आपके पर्सन मुझे जेलस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस जश्न में ये शामिल क्यों नहीं है, इनके बिना आप औरों के साथ खुश हो, इनके बिना आप खुश हो, हैप्पी हो, एंजॉय करें अपने लाइफ को। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, किसी तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी चल रही है, आपके पर्सन ने ये सुन लिया है, देख लिया है, तो आपके पर्सन मुझे जेलस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जलन हो रही है इनको कि आप इनके बिना भी काफ़ी खुश हो, हैप्पी हो, आपने एफर्ट्स करना छोड़ दिया है, गिव अप कर दिया है आपने इस पर्सन पर, तो ये इस पर्सन की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके कुछ ट्रू फ्रेंड्स हैं जो इनसे रिलेटेड किसी तरह का इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको सही सलाह देते हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनके साथ आप किसी सिचुएशनशिप में, रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, पर ये आपके क्रश रहे थे, इनको पसंद करते थे, पर इन्होंने रिजेक्ट किया, आपको इग्नोर किया, ऐसा हो सकता है। अगर आप दोनों लव रिलेशनशिप में रहे भी थे तो अचानक से इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट तोड़ दिया, आप दोनों के बीच दूरियां ला दी, इन्होंने दूर हो गए आपसे, तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने कुछ इस तरह का सलाह दिया आपको कि ये आपके लिए राइट नहीं है, आपको भी आप मूव ऑन करना चाहिए, इनसे आपको दूर रहना चाहिए। और आपको ये चीज़ सही भी लगी, क्योंकि जिस तरह से आप इनके एनर्जी देख रहे थे, एक्शंस देख रहे थे, जो आप दोनों का सिचुएशन था, आपको लगा कि हाँ, जो कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं वो राइट है, आपको इनसे दूर रहना ही चाहिए, तो आपने भी दूरियां बना ली, ऐसा हो सकता है। पर ऐसा भी नहीं है कि टोटली आपने इनके बारे में जानना छोड़ दिया, सुनना छोड़ दिया, आप इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते रहते थे, ठीक है, और आज भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है इनके बारे में, आप स्टॉक भी करते हुए इनको, टोटली आपने मूव ऑन नहीं किया है, पर हाँ, आप खुश रहना सीख गए हो, अब आप इनके बिना खुश रहना काफ़ी अच्छे से जानते हो, खुद को संभालना काफ़ी अच्छे से जानते हो। तो ये चीज़ ना आपके पर्सन को हर्ट कर रही है कि आप इनके बिना जीना सीख गए हो, आपने गिव अप कर दिया इन पर, ये चीज़ आपके पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है। इनके एक्शंस क्या होगा देख लेते हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी, कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस, आप दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा है,
आप इनको टाइम नहीं दे रहे हो, इनको ऐसा लगता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो, इनको टेंशन नहीं दे रहे हो, आपका टेंशन चाहिए इस पर्सन को, ठीक है। वाह, ये पर्सन को आपका बेहद बेइंतहा वाला प्यार चाहिए। भले ये पर्सन आपसे बातचीत करे ना करे, आपसे अपनी फीलिंग्स बताए ना बताए, पर ये आपसे ज़रूर चाहते हैं कि आप इनको बिल्कुल एक प्यार के मामले में ना, आप एक किंग या क्वीन की तरह इनको प्यार करो, एक प्रिंसेस या प्रिंस की तरह इनको ट्रीट करो। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप इनसे बेहद बेइंतहा वाला प्यार करो, आप हमेशा इनके रहो। इनको बहुत अच्छा लगता है जब आप इनकी तारीफ करते हो, आप इनकी ओर देखते हो, इनकी ओर अट्रैक्ट होते हो। ये पर्सन कभी कभी जानबूझकर आपको अट्रैक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको अट्रैक्ट करने के बारे में सोचते मुझे दिखाई दे रहे हैं, सेड्यूस करना चाहते हैं कुछ लोग लिए आपको, ठीक है। ये पर्सन आपका प्यार देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप कुछ बोलो, कहो इनसे, प्यार वाली बातें करो। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग लिए ऐसा हो सकता है, यहाँ पर कोई एक पर्सन इमैच्योर है और कोई एक काफ़ी मैच्योर है, आप दोनों के बीच फाइट हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या इनके साथ आपका फाइट हुआ है, जिस पर्सन के साथ आपका फाइट हुआ है राइट नाउ, वो पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, वो पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, किन से बातचीत हो रही है आपकी, किन से नहीं हो रही है, कौन आपके फ्रेंड्स हैं, क्या चीज़ आपको पसंद है, अगर नए हैं तो आपकी पसंद नापसंद सब कुछ जानना चाहते हैं ये। आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपका पास्ट क्या रहा है, क्या आपने कभी किसी को प्यार किया है, किसी सिचुएशनशिप में, किसी रिलेशनशिप में आप रह चुके हो। इनके अलावा इनको प्यार करने से पहले, इनके लाइफ में आने से पहले, इनसे पहले कि आपके लाइफ में कोई और रह चुके हैं, ये जानना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोगों के लिए पर्सन नए हैं बिल्कुल, ठीक है। ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, ठीक है। इनके एक्शन क्या हो सकते हैं आपके लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं। जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं, जिनके बारे में ये राइट नाउ सोच रहे हैं, उनके एक्शन क्या हो सकते हैं इनके लिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत, ठीक है। ये आपके सामने आएंगे और दूरियां हैं वो ख़त्म होगी, ये पर्सन आपके सामने ओपन अप होंगे, जो इन्होंने अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी सारे लोगों के लिए अब आप थोड़े से लॉजिकल प्रैक्टिकल हो गए हो, या मुझे कहना चाहिए काफ़ी ज़्यादा हो गए हो, और ये पर्सन आपके उलट काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंसिटिव हो गए हैं, ठीक है। अब मुझे दोनों अपोजिट दिखाई दे रहे हो। पहले क्या था, आई थिंक आप इनके लिए रोते थे, तड़पते थे, इनके यादों में ही सारा दिन गुजार देते थे, इनके बिना आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बट अब आपने खुद को संभाल लिया है, ठीक है। अब आप खुश रहने लगे हो, खुश रहना आप सीख गए हो इनके बिना भी, और ये पर्सन अब आपके बारे में सोचने लगे हैं। ये पर्सन एक किंग या क्वीन की एनर्जी में है प्यार के मामले में, तो बहुत प्यार करने लगे हैं आपसे, तो ये पर्सन आपके सामने ओपन अप होंगे, आप दोनों के वर्ल्ड को एक करना चाहेंगे, ओके। ये पर्सन आपके सामने आएंगे, ये पर्सन आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ये पर्सन आपको पा ले, आप दोनों एक हो जाओ या साथ में आ जाओ, आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाए, रिकनसाइल कर सको आप दोनों, ये कोशिश करेंगे। ये होगा इनके एक्शन, नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रहा है इनके एनर्जी में, तो ये स्टार्ट करने वाले हैं, ओके गाइस। तो ये है आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। साइंस बता देती हूँ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पिसेस भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, टेक केयर। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो। टेक केयर गाइस, बाय, नाइस इवनिंग।